चलो इससे मिलता जुलता फिर एक क्वेश्चन घर से करना खुद, ठीक है? देता हूँ मैं वो क्वेश्चन घर से करना खुद। देखो होमवर्क है आपका, होमवर्क ये लो। क्वेश्चन करना आप लोग घर से जो करना है वो ये करना कि y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1 + x² + 1 बाई एक्स। घर से करना, अभी मैंने -1 कराया ना, तो मैं प्लस वन है करना वही है, ठीक है? 10 थीटा डाल देना, ये होमवर्क है तुम्हारा है। चलो नया क्वेश्चन करते हैं, ये लो नया क्वेश्चन है आप पे। वाई दे रखा 10 इनवर्स ब्रैकेट 1 + x² - √1 - x² √1 + x² + √1 - x² यह है आप पे। इसमें आपको डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है यार, और कुछ नहीं करना, ठीक है? करोगे कैसे? देखो ट्रेंड पकड़े करो, 1 + something 1 - something 1 + something 1 - something समथिंग कॉस ही होगा, क्योंकि 1 + cos θ कोई फार्मूला होता है, और 1 - cos θ भी कोई फार्मूला होता है, और नहीं बन सकते भाई। 1 + cos 1 - cos ही होता है फार्मूला। तो आपको एक्स स्क्वायर पूरे की जगह कुछ डालना पड़ेगा, आपकी मर्जी है कुछ भी डालो यार, आंसर एक ही आएगा। एक्स स्क्वायर की जगह या तो cos 2θ डाल लो, या एक्स स्क्वायर की जगह cos θ डाल लो, बात एक ही पड़ेगी है, बात में कोई फ़र्क नहीं है। चलो अगर x² cos 2θ हुआ तो 2θ की वैल्यू कितनी हुई, 2θ की वैल्यू हुई cos inverse of x², ये भी सही है ना? ये cos इधर जाएगा तो 2θ की वैल्यू cos inverse of x² हुई, और थीटा की वैल्यू ½ cos inverse of x² हुई। ये तो रामखानी बात की है, ठीक है? कि 2θ आपका cos inverse x² हुआ, थीटा की वैल्यू ½ cos inverse of x² हुई। अभी यहाँ आ जाओ, ये क्वेश्चन था, सॉल्यूशन वहाँ से शुरू हो गया है, ठीक है? आंखें ठीक रखा करो। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट बनाया, प्रिंसिपल डिवीजन। अब देखो 1 + x² हुआ cos 2θ, -√1 - x² हुआ cos 2θ, नीचे भी वही 1 + cos 2θ, फिर प्लस यहाँ पे 1 - cos 2θ, ये चला। 1 + cos 2θ तुम लोगों को पता ही है यार क्या होता है, प्लस है तो कॉस आएगा, माइनस है तो साइन आएगा। 1 + cos 2θ होता है 2 cos² θ, ठीक है? और यहाँ पे माइनस है, और 1 - cos 2θ होगा 2 sin² θ, ये है। फिर √1 + cos 2θ दोबारा 2 cos² θ हुआ, प्लस लिखेंगे 1 - cos 2θ हुआ 2 sin² θ। अब इन्हें अलग अलग करेंगे, ठीक है? तो अलग अलग करने में क्या होगा, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स देखो होगा √2 आएगा। देखो दोनों अलग अलग होंगे ना, मैं एक बता देता हूँ एक कैसे होगा, √2 cos² θ है जैसे, तो ये अलग ऐसे होगा √2 × √cos² θ। पावर है ना भाई, हाफ हाफ पावर दोनों में चली गई, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ cos θ या sin θ आएगी और √2 आएगा, ठीक है? ये चीज़ है, तुम जानते भी हो √2 हो गया, cos² θ का रूट बना cos θ, फिर -√2 हो गया, sin² θ का रूट बना sin θ, प्लस अपॉन प्रिंसिपल डिवीजन। सेम यही लिखना है, √2 cos θ प्लस लगाने √2 sin θ। √2 कॉमन ले लो यार, यहाँ से √2 कॉमन ले लो ऊपर नीचे से ना, ये बना 10 इनवर्स, √2 कॉमन ले लिया, कितना बना cos θ - sin θ। नीचे भी √2 कॉमन ले लिया, कितना बना cos θ + sin θ। √2 से √2 कैंसिल हो गया। अब आप पे क्या बचा जी? देखो आप पे कुछ ऐसा है कि y इज इक्वल टू टेन इनवर्स कितना है cos θ - sin θ अपॉन cos θ + sin θ। आपको पता है जब भी ऐसी फॉर्म आती है तो आप क्या करते हो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई cos x या cos θ। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos θ,
तो वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स, डिवाइड करो हर एक को, कॉस बाई कॉस होगा 1 माइनस साइन बाई कॉस होगा 10 अपॉन कॉस बाई कॉस होगा 1 प्लस साइन बाई कॉस होगा 10। अब आपको पता है इस 1 को नहीं छेड़ते, यहाँ पाई बाई 4 लगाएंगे, 10 पाई बाई 4 और इसे 10 पाई बाई 4 लिखा जाएगा। तो देखिए क्या बना, वो लिख लेते हैं नीचे, आप पे बना टेन इनवर्स 1 की जगह 10 पाई बाई 4 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 ऐसी 10 थीटा ऐसी और मल्टीप्लाई में लगाएंगे 10 पाई बाई 4 ये। तो देखो फार्मूला क्या बना, 10 ए माइनस 10 बी 1 प्लस 10 ए 10 बी, फार्मूला यही तो बना, 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए 10 बी। होगा क्या, 10 ए माइनस बी होगा, तो 10 ए है पाई बाई 4 माइनस बी, बी है थीटा, ठीक है भाई। 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए 10 बी बना 10 ए माइनस बी, 10 इनवर्स से 10 गया, बचा आप पे पाई बाई 4 माइनस थीटा। भाई थीटा होता क्या है, थीटा वहाँ देखो कितना है, हाफ ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये राम कहानी है। अब थीटा है हाफ ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, आपको पता है पहले कॉस इनवर्स का करेंगे फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स लगाएंगे। देखो पाई बाई 4 का तो हो गया 0 माइनस हाफ ऐसी। अब देखो कॉस इनवर्स कोई भी एंगल हो तो कॉस इनवर्स का होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वही लगाएंगे, ठीक है। तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है ना, थीटा का स्क्वायर होता है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस थीटा का स्क्वायर। थीटा कितना है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 आएगा। ये चमका तुम लोगों को, क्या बोल रहा हूँ मैं, कॉस इनवर्स थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस थीटा का स्क्वायर। तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस थीटा का स्क्वायर, थीटा खुद एक्स स्क्वायर है, उसका भी स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 आएगा, तो एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर का आपका 2x हो जाएगा, ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर को 2x हो गया, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली देखो डिफरेंशिएशन आया कितना, यानी नज़र रखे करो, तो dy बाई dx देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, 0 को तो भूल ही जाओ तुम, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर बचा x, ठीक है, नीचे बचा अंडर रूट 1 माइनस x की पावर 4, ठीक है, ये है भाई तुम लोगों पे, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब इसी पे देखो वेरिएशन क्या क्या आ जाएंगे इसी क्वेश्चन पे, ये तो हो गया क्वेश्चन, अब देखो इस पे वेरिएशन क्या आएंगे, वो तुम्हारा होमवर्क है, वो तुम लोगों का होमवर्क है जिस पे वेरिएशन आएंगे। एक तो हमने देख लिया ये वाला, एक क्या आ सकता है, एक ही आ सकता है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये तुम्हारे होमवर्क है पहला, टेन इनवर्स ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो पहले भी था, पर पहले ये नहीं था, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, एक तो ये आ जाएगा। दूसरा देखो तुम पे इसी पे, और सब में dy बाई डी एक्स ही निकालना है तुम्हें, ठीक है, दूसरे में क्या आ जाएगा तुम पे, कॉट इनवर्स आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होगा, माइनस प्लस होगा। और तीसरा फाइनल वेरिएशन ये आ सकता है कि y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर प्लस इधर माइनस, ये आ सकता है तुम लोगों का, करना है तो कर लो यार इसको, क्या जा रहा, कर सकते हो ना तो कर लो, ठीक है। चार वेरिएशन आएंगे आप लोगों को देखना है, ये चार वेरिएशन बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं मांगता लाइफ में, यही मांगता है, चार वेरिएशन देख लेना, ये ज़्यादा लाइट हो गया ये, ठीक है, ठीक है, चार वेरिएशन आएंगे कर लेना। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट वेरिएशन देखो क्या है, आप पे है कि इफ अगर y जो है आपका ऐसा हो साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस x माइनस रूट x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है, ध्यान से देख लो, ये कोई फॉर्म बन रही होगी, पढ़ा है ना ऐसा फार्मूला, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स वाई का कोई फार्मूला पढ़ा है ऐसे, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का प्लस माइनस, ना क्या होता था, याद है इनवर्स से, साइन इनवर्स
एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। भाई प्लस के लिए प्लस आता था, माइनस के लिए माइनस आता था, पर फॉर्मूला ये होता था साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। मैं ऐसे बनाना चाहूँगा इसे। देखो ये तुम्हें जो फॉर्म दे रखे ना, ये कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ क्या है ये, अभी बताता हूँ इसकी वर्थ क्या है। ये एक्स तो एक्स है, पर देखो ये अंदर वन माइनस एक्स नहीं है, ये एक्स नहीं है, ये रूट एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये एक्स नहीं है, ये रूट एक्स का होल स्क्वायर है। तुम्हें बताया स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बात तो वही है, पर सर ने क्या करा, चालाकी से एक्स को रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया। पता नहीं क्यों करा, क्यों करते हैं ऐसा। और यहाँ वन माइनस एक्स स्क्वायर आ गया ऐसा। अब मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ, मैं तुमसे बस इतना चाह रहा हूँ कि तुम यहाँ कुछ बना लो यार, कुछ बनाना चाहो यहाँ, जो बनाना चाहो वो बना लो। मैं तो कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, यहाँ से मेरा सोल्यूशन स्टार्ट हो गया, ये मेरा क्वेश्चन था। मैं करना चाहता हूँ देखो कुछ ऐसा, मैं x की जगह साइन थीटा डालना चाहता हूँ और रूट एक्स की जगह साइन फाई डालना चाहता हूँ। क्यों सर, क्यों करते हो ऐसा, मर्जी है भाई। थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स और फाई की वैल्यू साइन इनवर्स रूट एक्स। मैं तो ऐसा करना चाहता हूँ, क्यों अभी पता चलेगा। बॉस इज ऑलवेज राइट। यहाँ देखो ऐसा कर दिया, पहले तो x को रूट एक्स को होल स्क्वायर लिखा ताकि सिमिलरिटी रहे। यहाँ x है, यहाँ रूट एक्स है, यहाँ रूट एक्स का स्क्वायर है और यहाँ x का स्क्वायर है, इसलिए x की जगह साइन थीटा डालो और थीटा आपका साइन इनवर्स x हो जाएगा, रूट एक्स की जगह साइन फाई, फाई आपका साइन इनवर्स रूट x हो जाएगा। क्यों करा ऐसा, देखो जरा डालो तो ये तो y देखो क्या बना, साइन इनवर्स रहा, ठीक है साइन इनवर्स रहा, x की जगह कितना साइन थीटा, ठीक है अंडर रूट वन माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, रूट एक्स कितने है साइन फाई है भाई, रूट एक्स ये नहीं है बच्चों, ये दोनों अलग है, ये एक्स ही है। तुम कहीं ऐसा मत समझना कि मैं एक्स यहाँ पे क्या कर दूँ, दोनों साइड रूट कर दूँ या मैं इधर स्क्वायर कर दूँ तो आपको कुछ ऐसा बनेगा। तुम सोचोगे इसका स्क्वायर करूँगा तो ये एक्स हो जाएगा, ये साइन फाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, पर भाई एक्स तो कितना है साइन थीटा है और यहाँ साइन फाई का होल स्क्वायर है। ठीक है, क्या प्रूफ कर लिया इससे, करके क्या कर दिया, कुछ तो नहीं हुआ ना बेटा, ऐसे मत करो फिर। क्यों इतना मैथ में प्रो बन रहे हो, नूब रहोगे अभी तो, जब तक पूरी डिफरेंशिएशन नहीं करोगे पहले पूरी कर लो फिर तुम प्रो प्लेयर में आओगे, है ना। यहाँ देखो आप, यहाँ देखो एक्स की जगह साइन थीटा अंडर रूट वन माइनस रूट एक्स है, रूट एक्स कितना है साइन फाई, तो रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे माइनस रूट एक्स, रूट एक्स कितना है साइन फाई है। ठीक है, दो क्यों लिए सर, ले लिया यार, थोड़ा आसान पड़ता है ना, हमें अपनी लाइफ आसान बनानी है। और वन माइनस एक्स का स्क्वायर है, एक्स कितने है साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दोबारा देख लो, एक्स की जगह साइन थीटा, रूट एक्स की जगह साइन फाई, रूट एक्स की जगह साइन फाई, एक्स की जगह साइन थीटा, और फिर स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर दिया तो बाहर साइन इनवर्स है। ठीक है, यह है साइन थीटा। ठीक है बच्चों, वन माइनस साइन स्क्वायर फाई आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर फाई होगा, याद है ना, साइन स्क्वायर एनी एंगल प्लस कॉस स्क्वायर एनी एंगल कितना होता है, वन होता है। तो वन माइनस साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई हो गया माइनस साइन फाइव, ऐसे ही वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल करो, कर दिया, कितना बचा वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, मैंने भी बोला हाँ ओके। आगे देखो साइन थीटा कॉस फाइव माइनस साइन फाइव, चलो कॉस थीटा को पहले लिख लो, कॉस थीटा साइन फाइव। क्या ये फॉर्मूला नहीं बना क्या कोई, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, बीच में माइनस हो तो क्या आएगा साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होगा साइन ए माइनस बी, है ना साइन ए माइनस बी। बस वही करना चाह रहा था मैं और वही तुमने करा है या करवाया है मैंने कुछ भी बोलो। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बना साइन ए माइनस बी, तो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए, कितना है थीटा माइनस बी, बी कितना है फाई। ठीक है ना भाई, साइन थीटा माइनस फाई खोलोगे तो साइन थीटा कॉस फाई ये रहा, माइनस कॉस थीटा साइन फाई ये रहा, साइन इनवर्स साइन गया थीटा माइनस फाई बचा। पर क्वेश्चन अगर ओरिजिनली एक्स वाई में था तो आंसर भी ओरिजिनली एक्स वाई में छोड़ेंगे, थीटा की जो हमने इनवर्स फॉर्म में वैल्यू निकाली है वो लिखें और फाई की भी लिखें। थीटा कितना है साइन इनवर्स एक्स है, लिख लिया। फाई कितना है फाई साइन इनवर्स रूट एक्स है, बस इनका डिफरेंशिएशन करना है। अब वाई आ गया ना, इनका डिफरेंशिएशन करना है, कितना आया वाई आपका, वाई आपका आया साइन इनवर्स रूट एक्स
माइनस सॉरी साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, यहाँ पे आया। करो इनका डिफ्रेंसिएशन, तो डी वाई बाई डी एक्स, देखो साइन इनवर्स एक्स का तो डायरेक्ट हो गया कितना वन अपन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का बेटा कितना वन, ठीक है। फिर साइन इनवर्स रूट एक्स का तो वन अपन अंडर रूट वन माइनस जो भी एंगल है रूट एक्स है उसका स्क्वायर, जैसे यहाँ एंगल एक्स था तो उसका स्क्वायर, यहाँ एंगल रूट एक्स है उसका स्क्वायर, यहाँ एक्स का कितना वन, यहाँ रूट एक्स का कितना हाफ रूट एक्स, हाफ लिखो रूट को नीचे भेजो, बताया था ना ये चीज़ है। साइन इनवर्स एक्स का वन अपन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का वन माइनस लिखा, साइन इनवर्स रूट एक्स का वन अपन अंडर रूट वन माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, रूट एक्स का हो गया हाफ रूट एक्स, बस अब सीधा लिखो कितना आ गया वन अपन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आया, माइनस रहा वन बाई टू रूट एक्स रहा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो अंडर रूट वन माइनस एक्स आया, बस ये है। अब क्या करोगे, दो जोड़ोगे दो घटाओगे, नहीं, आंसर आ गया, खुश रहो, ठीक है, खुश रहो आंसर आ गया, और क्या चाहिए ना लाइफ में। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, आप पे है वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स की पावर वन बाई थ्री प्लस ए की पावर वन बाई थ्री वन माइनस एक्स की पावर वन बाई थ्री ए की पावर वन बाई थ्री, यह है आप पे, ठीक है। कैसे करोगे, कुछ कर सकते हो, मुझे तो ऐसे दिख रहा है भर टेन इनवर्स है तो मेरा दिमाग चमका, टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी बन तो रहा है यार, टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी वही बनाएंगे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं देखो, पुट एक्स की पावर वन बाई थ्री को टेन थीटा ले ले रहे हैं, एक्स की पावर वन बाई थ्री को टेन थीटा ले रहे हैं, और ए की पावर वन बाई थ्री को टेन फाई ले रहे हैं। तो आप एक बात बताओ, यहाँ से थीटा कितना आया, थीटा यहाँ से आया टेन इनवर्स ऑफ एक्स की पावर वन बाई थ्री, और यहाँ से फाई कितना आया, फाई आया टेन इनवर्स ऑफ ए की पावर वन बाई थ्री, ये चीज़ है, ये है और ये है, ठीक है। एक्स की पावर वन बाई थ्री टेन थीटा है तो थीटा हो गया टेन इनवर्स ऑफ एक्स की पावर वन बाई थ्री, और ए की पावर वन बाई थ्री टेन फाई है तो फाई हो गया टेन इनवर्स ऑफ ए की पावर वन बाई थ्री। ये पुट करेंगे तो क्वेश्चन ये था, आंसर चल रहा है, आंसर में आगे देखो वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स हुआ एक्स की पावर वन बाई थ्री आपका है टेन थीटा, ए की पावर वन बाई थ्री टेन फाई अपॉन वन माइनस एक्स की पावर वन बाई थ्री टेन थीटा, ए की पावर वन बाई थ्री टेन फाई, तो कितना बना टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए प्लस बी तो टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ ए प्लस बी थीटा प्लस फाई, दोबारा खोलोगे वही आएगा यार, टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी यही आ रहा, अपॉन टेन इनवर्स टेन एली फाई आपका बचा थीटा प्लस फाई, पर क्योंकि थीटा कितना है टेन इनवर्स ऑफ एक्स की पावर वन बाई थ्री, और फाई कितना है टेन इनवर्स ऑफ ए की पावर वन बाई थ्री, ये दोनों चीज़ें हैं। बस अब इनका डिफ्रेंसिएशन करो, तो डी वाई बाई डी एक्स, देखो ए की पावर वन बाई थ्री क्योंकि कॉन्स्टेंट था तो उसका टेन इनवर्स भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, ये पूरी चीज़ क्या है कॉन्स्टेंट है, चाहे टेन इनवर्स फॉर्म में हो, क्यों करोगे भाई इसका, कर तो एक्स के रिस्पेक्ट में रहे हो ना, यहाँ एक्स की कोई टर्म है नहीं है तो इसका जीरो आएगा, चाहे आप ए की पावर वन बाई थ्री का करो उसका भी जीरो आएगा, और एक्स की टेन इनवर्स ऑफ ए की पावर वन बाई थ्री का भी कितना आएगा जीरो आएगा। तो जो दूसरा वाला था उसका मैं पहले लिख रहा हूँ जीरो आ गया, दूसरा वाला देखो, अब ये टेन इनवर्स थीटा है तो इसका होगा वन अपॉन वन प्लस थीटा का स्क्वायर, थीटा कितना है एक्स की पावर वन बाई थ्री, इसका करेंगे स्क्वायर, ठीक है। ये तो मैं आया ना समझ में, क्या करा मैंने, टेन इनवर्स थीटा का होता है वन अपॉन वन प्लस थीटा का स्क्वायर, थीटा है एक्स की पावर वन बाई थ्री तो इसका चलेगा स्क्वायर। आगे देखो, अब एक्स की पावर वन बाई थ्री का भी करेंगे, पहले इनवर्स का फिर एंगल का, तो इनवर्स का तो कर दिया वन अपॉन वन प्लस थीटा का स्क्वायर, अब एंगल क्या है एक्स की पावर वन बाई थ्री, तो वन बाई थ्री पावर आगे आई और एक्स की पावर वन बाई थ्री से एक कम हो जाएगी, और इसका हमने जीरो लिख दिया है तो बस हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या आया, आंसर ये आया कि डी वाई बाई डी एक्स, जीरो को तो भूल जाओ, अब आप पे क्या है वन बाई थ्री है, ठीक है वन बाई थ्री लिखा, ये चीज़ ब्रैकेट में लिखो तो वन प्लस एक्स वन बाई थ्री का स्क्वायर तो टू बाई थ्री होगा यार, ऐड तो नहीं करोगे, बेस तो एक ही है ना,
दो होते तो ऐड कर लेते, आज तो मल्टीप्लाई करने तो 2/3 आ गया। और फिर क्या बचा, एक्स की पावर 1/3 माइनस 1, 1/3 माइनस 1 होगा -2/3, तो ऊपर आएगा एक्स की पावर -2/3 मल्टीप्लाई में 1 के साथ। देखो ना यार, 1/3 माइनस 1 -2/3 होगा, ऊपर तो अच्छे नहीं लग रहा है, नीचे करेंगे तो एक्स की पावर 2/3 आंसर आ जाएगा, ये रहा। ठीक है, देख लो, आगे बढ़ते हैं फिर। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स a cos x। सर ये तो सारा इनवर्स का ही आ रहा वापिस। हाँ बेटा, यहाँ पे इनवर्स का भी रिवीजन हो जाता है। a cos x माइनस b sin x, b cos x, ऐसी थोड़ी है, 45 मार्क्स की है। ए साइन एक्स इनवर्स जोड़ दो तो 50 से ऊपर जाती है। ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स अपॉन बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स। अच्छा, हमें तो वही बनाने, ए माइनस बी टेन इनवर्स है ना, या टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी बनाने यहाँ पे। तो ये चीज़ 1 होनी चाहिए, बस मुझे इतना पता है। यार तुम्हें क्या बनाना है अंदर, तुम्हें कुछ ऐसा बनाना है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तुम्हें बस ये चीज़ याद होनी चाहिए, तुम्हें ये चीज़ 1 करनी है। नहीं तो अगर और मेथड से करोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। हम पे 4 केसेस हैं, या तो हम सारी चीज़ को a cos x से डिवाइड कर लें, या b cos x से कर लें, या a sin x से कर लें, या b sin x से कर लें। चारों से कर लो तुम, मुझे क्या है, मैं तो तुम्हें शॉर्टकट बताऊंगा जिससे टाइम बचे। तुम a cos x से डिवाइड कर लो, b cos x से कर लो, चारों को a sin x को से चारों को कर लो, और b sin x से भी चारों को कर लो, चारों को कर लो चारों से। पर उसमें टाइम बहुत लग जाएगा, एक ही ज़िंदगी यार, ये क्वेश्चन थोड़ी करना है ऐसे में। तुम बस ये देखो, तुम्हें यहाँ पे 1 चाहिए ना, 1, और 1 चाहिए तो भाई बी कॉस एक्स को 1 बनाने के लिए हमें इसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, भाई बी कॉस एक्स को बी कॉस एक्स से ही डिवाइड करेंगे तभी 1 बनेगा। तो यहीं से हमने ये चीज़ पकड़ ली, हमें अपनी ट्रिक मिल गई कि हमें क्या करना है। अब हमारा आंसर शुरू हो गया है, पता चल गया ना, यहाँ 1 चाहिए तो बी कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई बी कॉस एक्स, बी कॉस एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड करेंगे तो होगा क्या, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स। ध्यान से देखना, ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स है, दोनों को बी कॉस एक्स से हम डिवाइड कर लेंगे। वैसे तो पहले एक साथ आएगा फिर सेपरेट होगा ना, पहले बी कॉस एक्स एक रहा होगा फिर सेपरेट होगा, पर आप प्रो हो तो एक अलग अलग करके लिख लो। और ऐसे यहाँ पे बी कॉस एक्स अपॉन बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स अपॉन बी कॉस एक्स, कुछ कट रहा है, कॉस से कॉस, बी से बी, और तो कुछ नहीं, बी से बी और कुछ नहीं। तो बस फिर आ गया, अब इसे लिखो तो क्या होगा, टेन इनवर्स। ठीक है भाई, और क्या बना, देखो ए बाई बी बचा, ठीक है, फिर साइन बाई कॉस टेन बचा, टेन अपॉन यहाँ पे क्या बच रहा है, 1, ठीक है। फिर ये a बाई बी है, एक तो a बाई बी और साइन बाई कॉस 10, तो आ तो गया। बस तुम कुछ एक काम करो कि पुट कर लो, देखो अभी तुम्हें फैमिलियर वो आ जाएगा, a बाई बी को 10 थीटा पुट कर लो, है तो दोनों ही कांस्टेंट, a बाई बी भी कांस्टेंट है, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स a बाई बी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, पर बातें बन जाएंगी। यहाँ से आप थीटा को कितना लिख सकते हो, थीटा को लिख सकते हो टेन इनवर्स ऑफ a बाई बी, ए वाई बी, बस ऐसा है। तो देखो वाई कितना बना, वाई है टेन इनवर्स, ठीक है, ए वाई बी कितना है, टेन थीटा है, तो टेन थीटा माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस ए वाई बी कितना है, टेन थीटा, और टेन एक्स तो टेन एक्स ही है, ये आ गया। अब देखो बिना क्या, देखो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ध्यान से देखो, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी होगा टेन ए माइनस बी, तो टेन थीटा माइनस एक्स, ठीक है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी होगा टेन थीटा माइनस एक्स। टेन इनवर्स और टेन गया बचा थीटा माइनस एक्स, पर क्वेश्चन अगर एक्स वाई में है तो आंसर भी एक्स वाई में आएगा, हालांकि थीटा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर सफिस्टिकेशन के लिए लिख लो, तो टेन इनवर्स ए बाई बी माइनस एक्स आ गया, यह है थीटा की जगह टेन इनवर्स ए बाई बी माइनस एक्स आ गया। अब डिफरेंशिएशन करो,
देखो ए बाई बी कॉन्स्टेंट है इसलिए टेन इनवर्स ए बाई बी भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, और कॉन्स्टेंट का आएगा जीरो। ये पूरी चीज़ कॉन्स्टेंट है, इसका जीरो आया, माइनस बाहर एक्स का वन आ गया, तो आंसर आ गया माइनस वन। टेन इनवर्स ए बाई बी का जीरो, माइनस एक्स का माइनस वन आ गया, तो जीरो माइनस वन आपका आएगा माइनस का वन, ऐसे। ठीक है, वेरी गुड। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई टू, ये आप पे है। मैंने आपको जब भी बोला कि वन प्लस समथिंग वन माइनस समथिंग हो तो एक ही होता है, कॉस होता है, वन प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा, वही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। और अपने लिए ज़िंदगी बर्बाद मत करे करो, एक्स को कॉस्ट जब तक हाफ एंगल अनलेस जरूरी ना हो तब तक मत लगाओ। तो आज तो एक्स को हाफ एंगल नहीं, कॉस टू थीटा लिख लेंगे, कॉस थीटा नहीं लिखेंगे, ये हो गया। और आपको पता है फिर टू थीटा की वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स एक्स, ये तो सही है ना, टू थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स आ गई, थीटा की वैल्यू होगी हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, बस यही चाहिए। एक्स हो गया कॉस टू थीटा, टू थीटा हो गया कॉस इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स हो गई, ये चीज़ है। तो सॉल्यूशन करते हैं, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स हुआ, ब्रैकेट बनाया, ऐसे लिखा, अंडर रूट लिखा, वन प्लस एक्स, एक्स है कॉस टू थीटा, तो वन प्लस कॉस टू थीटा हो गया, माइनस अंडर रूट वन माइनस कॉस टू थीटा हो गया, अपॉन में आ गया भाई टू। ये वन प्लस कॉस टू थीटा का भी आपको फार्मूला पता है और वन माइनस कॉस टू थीटा का भी आपको फार्मूला पता है, वही लिखेंगे। वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट में वन प्लस कॉस टू थीटा होगा तो टू कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, थीटा बाई टू नहीं आएगा बच्चे, जब यहाँ थीटा होता है तो आते हैं थीटा बाई टू, आज टू थीटा है तो थीटा आ गया, माइनस अंडर रूट वन माइनस कॉस थीटा कॉस टू थीटा, तो ये होगा टू साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में साइन प्लस में कॉस, अपन में कितना है टू है। ठीक है भाई, ऐसा हो गया। अब क्या करोगे, अब अलग अलग करोगे, तो अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, तो देखो अलग अलग करने से क्या होता है, देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट प्रिंसिपल डिवीजन। अब देखो अलग अलग होगा तो रूट टू आएगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट होगा कॉस थीटा, ऐसे लिख देंगे रूट टू कॉस थीटा आएगा, आप इसका स्क्वायर करो यही आएगा भाई। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे माइनस, रूट टू अलग होगा, ठीक है, अपॉन में कितना है बच्चे, अपॉन में थोड़ी साइन स्क्वायर थीटा का रूट करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पे कितना है अपॉन में टू है। अब आप क्या करो, आप रूट टू कॉमन ले लो, रूट टू आप लोग कॉमन ले लो ऊपर से, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, आपने रूट टू कॉमन ले लिया, आप पे आया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अपॉन में कितना आ गया बच्चे टू आ गया, होगा क्या, देखो रूट टू इसे काटेगा तो रूट टू बचेगा, पता है ना तुम्हें रूट टू का होल स्क्वायर होता है वो, तो कितना बचेगा रूट टू बचेगा, और अगर रूट टू बच गया तो आगे तो बहुत बड़ी झंझट है, अगर आपने सीख ली मेरे साथ तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, नहीं तो आप ये क्वेश्चन छोड़ के आओगे, आगे दिमाग में सूझेगा ही नहीं कुछ। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मुँह जरूर सूझ जाएगा तुम्हारा, दिमाग में कुछ नहीं सूझेगा, रूट टू बचेगा नीचे, है ना, रूट टू से ही कटेगा। अलग अलग करो यार इन्हें, रूट टू सेपरेट हो जाएगा ना, तो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स आप पे आया वन बाई रूट टू इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू वन बाई रूट टू, तो रूट टू को आगे लिखना फ़ायदेमंद रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगी, ऐसे लिख लिया। ठीक है, वन बाई रूट टू अलग अलग हो गया, देखो ये बन सकता है, वन बाई रूट टू इतनी खास चीज़ है क्योंकि साइन 45 भी वन बाई रूट टू होता है, कॉस 45 भी वन बाई रूट टू होता है, अब आपकी मर्जी आप कैसा फार्मूला बनाना चाहो। देखो अगर आप यहाँ कॉस 45 लिख दो इसे, 45 मतलब पाई बाई फोर, और इसे साइन 45 लिख दो, तो होगा क्या, अपने लिए आपने ग्रेव डेंजर कर लिया, कॉस ए कॉस भी माइनस साइन ए साइन भी, कॉस ए प्लस भी होगा, बाहर साइन इनवर्स है, फिर कॉम्प्लीमेंट्री लगाओगे दिक्कत, तो यहाँ साइन लिखो, बाहर से देखे करो, अगर बाहर कॉस इनवर्स हो गया, अगर बाहर कॉस इनवर्स हो गया तो आप दोनों साइड कॉस और दोनों साइड साइन करोगे, पर आप साइन इनवर्स है तो आपको बनाना है साइन ए कॉस भी कॉस ए साइन भी, तो कॉस तो है तो साइन लिखा, साइन तो है तो कॉस लिखा। अब देखो हुआ क्या, आपने क्या करा, आपने लिखा साइन इनवर्स, ठीक है बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, ओके आगे देखो, वन बाई रूट टू को साइन पाई बाई फोर लिखा,
कोसाइन पाई बाई फोर, साथ में क्या है कॉस थीटा है, ठीक है, माइनस वन बाई रूट टू को फिर कॉस पाई बाई फोर लिखा और आगे क्या है साइन थीटा है। तो देखो क्या बना, साइन का ए कॉस का ए साइन का बी, साइन का ए कॉस का बी कॉस का ए साइन का बी, कॉस का बी साइन का ए कॉस का बी, ठीक है ये बना। इसका मतलब ये तो आपका बन गया साइन ए माइनस बी, नहीं साइन का ए कॉस का बी माइनस कॉस का ए साइन का बी, साइन में प्लस के लिए प्लस आते हैं माइनस के लिए माइनस आते हैं, तो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स आपका बना साइन ए माइनस बी, मतलब पाई बाई फोर माइनस थीटा, ये आप पे बन गया पाई बाई फोर माइनस थीटा। साइन इनवर्स से साइन गया नलीफाई हुआ, आप ये बचा पाई बाई फोर माइनस थीटा। क्वेश्चन ओरिजिनली एक्स वाई में था, आंसर भी एक्स वाई में आएगा, तो थीटा को हटाओ, थीटा कितना है हाफ ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स है। इसे आगे बढ़ाएंगे तो पाई बाई फोर का जीरो डी वाई बाई डी एक्स, पाई बाई फोर का जीरो हाफ आया एफ ई, कॉस इनवर्स एक्स का होता है माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और एंगल एक्स का वन हो गया, ठीक है भाई। हाफ लिखा पाई बाई फोर का जीरो माइनस हाफ लिखा कॉस इनवर्स एक्स का माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस बच्चे प्लस हो गया टू आएगा, अंडर रूट आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है, ठीक है बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। आप सोचो क्या करोगे, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है फिर कुछ, हाँ होता है, कर दोगे अगर तो देखो क्या बनेगा, अंदर अंदर का बता रहा हूँ, एक्स की जगह टेन थीटा डालोगे तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा बना, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, तो आप पे बचा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है ये तो आ रहा है आपके दिमाग में, क्योंकि प्लस का यही होता है, माइनस होता तो साइन कॉस लगाते हैं और सेक होता है वन अपन कॉस, टेन होता है साइन बाई कॉस, ठीक है यही करते हैं आप, एक्स की जगह टेन थीटा डालते तो ये बनता है वन प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एक तो ऐसे कर लो आप, ठीक है तो ऑफिशियली एक ये कर लेते हैं और एक बार एक्स को कॉट थीटा डालेंगे, क्योंकि कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर भी होती है एक चीज़ ना, वन होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो एक तो मेथड वन कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ फंसते हैं, मेथड वन जिसमें हम पुट करते हैं एक्स को टेन थीटा और थीटा को कितना बच्चे टेन इनवर्स ऑफ एक्स, ये पुट करेंगे तो वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, ऐसे रहा, ठीक है भाई। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपको अभी पता चला सेक स्क्वायर थीटा होता है और फिर रूट भी है, तो बचेगा कितना सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सर ऐसा स्किप मत करे करो, अरे बच्चे बड़े हो गए हो तुम, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होगा और स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो सेक थीटा बचेगा, अब इसे खोलो तो सेक हो गया वन बाई कॉस थीटा, टेन हो गया साइन बाई कॉस थीटा, आपको पता है अब सबको साथ लेना पड़ेगा, एलसीएम सेम है, तो वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये ठीक है, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये चीज़ें हैं आप। अब देखो अगर ये चीज़ें हैं तो होता क्या है, आपने लिखना है वाई, ठीक है, फिर लिखना है टेन इनवर्स, ठीक है, वन प्लस साइन थीटा आपको पता है क्या होता है, नहीं सर नहीं पता, क्या करें फिर, कॉम्प्लीमेंट्री लगाओ यार, क्या हो गया, तो वन प्लस साइन थीटा हो गया कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 पाई बाई टू, एंगल थीटा ही है तो थीटा ही लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा, ठीक है, और कॉस थीटा को लिखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ऐसे लिख लिया, कॉस थीटा को लिखा साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा को लिखा कॉस 90 माइनस थीटा, अब वन प्लस कॉस थीटा आप है वन प्लस कॉस थीटा, पता है ना एंगल आधा करना पड़ता है, आप पे क्या है वन प्लस कॉस थीटा, प्लस है तो टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, तो पाई बाई टू का आधा पाई बाई फोर और थीटा का आधा थीटा बाई टू, तो वन प्लस कॉस थीटा हो गया टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, और साइन थीटा होता है टू साइन, साइन टू थीटा है ना वैसे समझो, साइन थीटा टू साइन थीटा बाई टू, तो इसका भी आधा पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू,
टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, ये करना पड़ेगा तुम लोगों का अगर तुम एक्स को टेन थीटा लोगे। वन प्लस कॉस थीटा तो टू कॉस स्क्वायर थीटा का आधा, तो इसका आधा कर दिया दोनों का, और साइन थीटा टू साइन थीटा का आधा कॉस का आधा, कॉस थीटा का आधा, ये कर लिया। दो से दो कैंसिल हुआ, कॉस से एक पावर कैंसिल हुई, कॉस अपन साइन कॉट हो गया, तो वाई इज इक्वल टू कितना आया, टेन इनवर्स, ठीक है भाई। फिर ऊपर कॉस नीचे साइन बचा, कॉस अपन साइन कॉट आ गया, एंगल कितना है पाई बाई फोर, और फिर कितने बचे माइनस थीटा बाई टू है ये, ठीक है, कॉट पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू ये है। चलो बहुत बढ़िया, ओके मस्त है, आगे देखते हैं। अब तब तक नहीं हटेगा जब तक कॉम्प्लीमेंट्री नहीं लगाएंगे, ये पूरा आपका एंगल एक्स है अगर, तो कॉट एक्स होगा टेन नाइन्टी माइनस एक्स है ना, तो वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स, कॉम्प्लीमेंट्री लगाओ टेन नाइन्टी माइनस एक्स, तो टेन पाई बाई टू माइनस एक्स, एक्स एंगल ये रहा कितना पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, और मैंने बोला था बेवकूफ मत बनना, इनको सॉल्व मत करने लग जाना, वो तो जीरो होंगे, आया ना समझ में। कॉट एक्स हो गया टेन नाइन्टी माइनस एक्स, एक्स एंगल ये पूरा है, टेन से टेन इनवर्स नलीफाई, वाई की वैल्यू आई पाई बाई टू, ब्रैकेट खोलो माइनस प्लस माइनस, अब इसमें प्लस माइनस के तो है छः मार्क्स या जीरो मार्क्स का अंतर यही है प्लस और माइनस का, बाकी तुम बेवकूफ़ थोड़ी हो, दस का दो थोड़ी लिख दोगे, माइनस माइनस प्लस हो गया थीटा बाई टू आ गया भाई, ठीक है। अब पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर मत करना सॉल्व, इसे ऐसे रहने दो, आना तो जीरो है ना दोनों का, डिफरेंशिएशन है ये, इंटीग्रेशन थोड़ी है, यहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाफ लिखा थीटा की वैल्यू मेरे हिसाब से टेन इनवर्स एक्स होगी है ना, टेन एक्स को मतलब टेन थीटा को आपने एक्स लिया था ना, इसलिए डिफरेंशिएशन करो डी वाई बाई डी एक्स करोगे, पाई बाई टू का जीरो, पाई बाई फोर का जीरो, हाफ ऐसी टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स का कितना वन, तो आप पे अल्टीमेटली आएगा वन अपॉन टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा वन अपॉन टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर है, वन बाई टू वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक और मेथड से देखते हैं, अब x की जगह cot थीटा डालते हैं, ठीक है, मेथड नंबर टू, मेथड दूसरा, दूसरा मेथड, तो देखो क्या होगा उसमें। पहले मैं ये बता दूँ cosec स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन होता है, तो वन प्लस cot स्क्वायर थीटा बनेगा cosec स्क्वायर थीटा, ये उधर जाएगा ना, तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा, वहाँ से भी बन सकती है बातें। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पुट करेंगे, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, एक्स को कितना कॉट थीटा और थीटा को कॉट इनवर्स एक्स, सर हमें तो डिफरेंशिएशन आता ही नहीं कॉट का, तो टेन का ही तो होता है, प्लस वन की जगह माइनस वन लगता है बस, आगे बढ़ो, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स की जगह कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस एक्स की जगह कॉट थीटा, एक तो ये आ गया, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा, क्या करा सर ये बच्चे, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है ना, वो कह दिया, आगे स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो वाई की वैल्यू वाई टेन इनवर्स, ठीक है, फिर क्या आई कोसेक थीटा, ठीक है, फिर क्या आया कॉट थीटा, ठीक है, आगे बढ़ो, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है, खोलो इन्हें, तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, बढ़िया, कोसाइक होता है वन अपन साइन थीटा, शाबाश, कॉट होता है कॉस अपन साइन थीटा, शाबाश, ऐसे लिख लिया। अब यहाँ वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कॉम्प्लीमेंट्री, क्यों, देखो सीधा आ गया टेन इनवर्स, वहाँ कॉम्प्लीमेंट्री करना पड़ा ना, बहुत लोगों से गलती हो सकती है एंगल को आधा करने में, सिर्फ थीटा को आधा करा, पाई बाई उसको करा ही नहीं, चाहिए आंसर से फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर विजुअलाइजेशन गलत हो जाएगी, और नीचे साइन थीटा है, बस अब कुछ नहीं करना, कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं लगानी, सीधा खोलो, देखो वन प्लस कॉस थीटा होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, ये हो गया वन प्लस कॉस थीटा, ये होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, और साइन थीटा होता है टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, ठीक है, दो से दो कैंसिल, कॉस से एक पावर कैंसिल, कॉस अपन साइन बना कॉट, कॉस अपन साइन क्या बना कॉट बना, तो टेन इनवर्स कॉस अपन साइन बना कॉट, और कॉट थीटा को टेन नाइन्टी माइनस थीटा लिख लो तो आंसर आ जाएगा, कॉट थीटा को सिर्फ कितना लिखना है टेन नाइन्टी माइनस थीटा लिखना है तो आंसर आ जाएगा, थीटा की जगह कॉट इनवर्स एक्स है याद है ना, ठीक है, तो वाई है टेन इनवर्स है कॉट थीटा टेन नाइन्टी माइनस थीटा,
तो 1090 पाई बाई टू माइनस थीटा, थीटा है आपका थीटा बाई टू। थीटा पहले वाला जर्नल था है ना, वो आज कितना है थीटा बाई टू है, टेन इनवर्स से टेन गया, बचा आपके पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है, हाफ लिखा, थीटा की वैल्यू है कॉट इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू कितनी है बच्ची, कॉट इनवर्स एक्स है। तो बस अब करो तो वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, पाई बाई टू का जीरो माइनस वन बाई टू, कॉट इनवर्स एक्स का माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट का यही होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो आप पे कुल मिला के ही आया वन बाई टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, जो वहाँ से भी आया था। तो ऐसे करना ही नहीं, देख लो, ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ही घर से करना आप लोग हैं, होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, कि y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट वन प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस का x है, हमने प्लस का x करा था, ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क जरूर करे करो है ना ये। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। तो देखो, एक तो आप लोग क्या करना घर में होमवर्क, इसी क्वेश्चन को होमवर्क में एक्स को टेन थीटा लेके करना, आई होप आप कर लोगे, फंसोगे नहीं, जब भी जरूरत पड़े तो हाफ कर देना एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री लगा देना, फंसोगे तो नहीं। मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ, क्वेश्चन करने वाला हूँ, पुट करेंगे एक्स को कॉट थीटा। अच्छा फिर हम भी कर देते, इतनी बड़ी बात थोड़ी थी, बाहर कॉट इनवर्स था, हमेशा ऐसे नहीं हुआ, टेन इनवर्स था बाहर, हमने साइन भी डाला है बहुत बार, कॉस भी डाले या डालेंगे। आप होमवर्क से एक्स को टेन थीटा लेके करना, मैं एक्स को कॉट थीटा लेके कर रहा हूँ, और थीटा की वैल्यू कितनी डाल रहे हैं, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स डाल रहे हैं। तो आगे देखो क्या होगा, वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ठीक है, अंडर रूट वन प्लस एक्स की जगह कॉट थीटा, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा बना, प्लस एक्स की जगह कॉट थीटा, ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपने अभी देखा था, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉट इनवर्स वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा हुआ, और फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, ठीक है, चलो बुरा मत मानो, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया बस, है ना, और कुछ नहीं करा, और यहाँ पे कॉट थीटा है, बस हमने वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो वाई इज इक्वल टू कितना आया, कॉट इनवर्स, ठीक है, फिर कोसेक थीटा, फिर कॉट थीटा आ गया, बस इन्हें खोलो, तो कॉट इनवर्स कोसाइक हो गया वन बाई साइन थीटा, और कॉट थीटा हो गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये है, ठीक है, कोसाइक वन बाई साइन, कॉट हो गया कॉस बाई साइन, तो वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, एलसीएम सेम है, कितना साइन थीटा, बेस सेम है दोनों का, साइन थीटा डिनोमिनेटर, और ऊपर आया वन प्लस कॉस थीटा, बस इन्हें अब ट्रांसफॉर्म करो, क्योंकि खेल ही तो ट्रांसफॉर्म का है सारा। कितना आया, वन प्लस कॉस थीटा, ऊपर वाला बना टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, साइन थीटा बना टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, दो से दो कैंसिल, कॉस एक पावर कैंसिल, कॉस अपन साइन आया कॉट, बाहर भी कितना है कॉट इनवर्स, बस ये तो ऐसा क्रीम एकदम बिल्कुल स्मूथ। तो वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, यहाँ पे कॉस अपन साइन कितना कॉट, फिर आया थीटा बाई टू, कॉट इनवर्स से कॉट गया, कितना बचा थीटा बाई टू, थीटा की जगह कितना, थीटा की जगह कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स बाई टू, भाई वहाँ से भी यही आएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, हाफ बाहर आया, कॉट इनवर्स एक्स का हुआ माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, कॉट इनवर्स एक्स का हुआ माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, बस आंसर आ गया। आंसर कितना आया, आंसर आप पे आया माइनस वन बाई टू वन प्लस एक्स का स्क्वायर, ख़त्म। ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, क्लियर है, हाँ, तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है यार आप पे,
वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स इनवर्स अपॉन एक्स प्लस एक्स इनवर्स, इसका करना है। क्वेश्चन है यहाँ पे वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स इनवर्स अपॉन एक्स प्लस एक्स इनवर्स। तो देखो नेचुरल इंस्टिंक्ट ये कहेगा कि हम कॉस इनवर्स लिख लें, ठीक है भाई लिख लो, एक्स लिखें माइनस लिखें, एक्स लिखें प्लस लिखें, ठीक है। एक्स की पावर माइनस वन मतलब वन बाई एक्स, एक्स की पावर माइनस वन मतलब वन बाई एक्स, ठीक है मैंने भी बोला ओके। आगे देखो एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो क्या होगा वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, एलसीएम लोगे तो क्या होगा ये प्रिंसिपल डिवीजन है, ठीक है एलसीएम आएगा एक्स, ये प्रिंसिपल डिवीजन है ठीक है एलसीएम आएगा एक्स, दोनों का एक्स ही है ना बेस, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर और क्या बचा हुआ प्लस वन। सर ये वन ऐसे क्यों रह गया, क्योंकि बेटा इस पे तो एलसीएम है ना एक्स, तो इसका तो वन ही आएगा और इस पे नहीं है, इसके नीचे वन है तो एक्स के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, आप पे क्या आएगा कॉस इनवर्स कितना एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये ठीक है मैंने बोला ओके। माइनस कॉमन ले लेना यार, बाहर भेज देना, बाहर तो जाएगा नहीं, ठीक है करो इसे आगे। अब खुद चलो तो ये पता है पुट एक्स इज इक्वल टू कितना टेन थीटा, थीटा की जगह कितना टेन इनवर्स एक्स, पुट करो देखो क्या बना वाई कॉस इनवर्स, ठीक है कितना बना टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन और टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, ठीक है। तुम एक काम करो माइनस कॉमन ले लो ऊपर वाले से, ऊपर वाले से माइनस कॉमन लो, ठीक है नीचे कितना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, उसमें तो कुछ ही नहीं है, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो तो माइनस देखो ये रहा, अंदर ही अंदर माइनस कॉमन लिया। अब देखो क्या होगा वन प्लस का हो जाएगा और टेन स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा, ठीक है सर हम भी समझ गए, ठीक है अब क्या करें, अब है ना मुद्दे की बात, अब क्या करें, अब है मेन बात क्या करें। तो कुछ नहीं तुम इसको क्या करो, इस माइनस को बाहर भेज सकते हो, पहले ये बताओ तुमने पढ़ा होगा इन्वर्स में पढ़ा होगा क्या इस माइनस को बाहर भेज सकते हैं, जल्दी बताओ। सर पता नहीं, भेज तो सकते हैं भेज ही नहीं सकते हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कि अभी तो ये कर सकते हैं क्योंकि बाहर वाले कॉस इनवर्स से हमें कोई मतलब नहीं है, ये माइनस है ऐसे ही रहने दो। वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम कॉस टू थीटा लिख सकते हैं, इतना हमें पता है सर, ठीक है तो माइनस ऐसे ही रहने दो, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को आपने लिख लिया कॉस टू थीटा, ये लिख लिया ठीक है, माइनस ऐसे ही रहने दिया वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को कॉस टू थीटा रहने दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, ये एक्चुअली में ना अगर इस पूरे को एक्स मानो तो ये ऐसा है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, और इनवर्स में एक आइडेंटिटी होती है बच्चों याद रखना, एक्स क्या है कॉस टू थीटा है ना, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, बताया था ना ये पाई घुमा देता है तभी पॉजिटिव करता है, कॉस की रेंज जीरो से पाई जाती है ना प्रिंसिपल वैल्यूज, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, इसका मतलब कॉस इनवर्स माइनस ऑफ एक्स, ये पूरा एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कितना एक्स कॉस टू थीटा, यही तो कर रहे देखो कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कितना है एक्स सिर्फ यूनिकली कितना है कॉस टू थीटा है, तो वो लिख लिया पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा, हुआ क्या पाई माइनस कॉस इनवर्स है कॉस नलीफाई बचा टू थीटा, तो पाई माइनस टू थीटा की जगह कितना टेन इनवर्स एक्स, फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ता, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया भाई पाई का जीरो माइनस टू और टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हुआ तो आप आया माइनस टू बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये है ठीक है माइनस टू ऐसे टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो गया माइनस टू बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, वेरी गुड गुड मॉर्निंग। आज ये जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन जो हम मिलजुल के कर रहे थे उसका आखिरी पार्ट आएगा, तो देखेंगे इसमें अलग अलग तरीके के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है तो आप लोग पहला क्वेश्चन देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं और आप लोग देखिए क्या है उसमें,
आप पे क्वेश्चन है जी कि वाई आपको दे रखा है टेन इनवर्स रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ एक्स वन प्लस रूट ए एक्स, रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस रूट ए एक्स, वही आपको करना है जो आपका काम है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। मैथ में होना चाहिए विजन, नज़रिया देखने का, देखोगे तो जानोगे तो पहचानोगे तो कर पाओगे। तो ये चीज़ है, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट ए माइनस रूट एक्स वन प्लस रूट ए एक्स, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। अब देखो अंदर टेन बनेगा तभी बात बन पाएगी, क्योंकि बाहर क्या है टेन इनवर्स है। तो बना के देखते हैं यार, एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं रूट ए को टेन थीटा लिख लेते हैं एंड एंड रूट एक्स को टेन फाई लिख देते हैं, ये अपनी मर्जी है। देखो रूट ए अगर टेन थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स ऑफ रूट ए आ जाएगी एंड फाई की वैल्यू टेन इनवर्स ऑफ रूट एक्स आ जाएगी। सर क्या हम रूट ए को टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते थे? लिख सकते थे, क्या जाता है ना, ऐसी रहने दो, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, क्या है ज़िंदगी एक ही तो मिली है, आसान बनाओ इसे। फिर देखें हम, तो हमारे पास वाई है टेन इनवर्स के बराबर रूट ए की जगह टेन थीटा माइनस रूट एक्स की जगह टेन फाई अपॉन वन प्लस रूट ए एक्स है ये। तो भाई आपको पता है इसे अलग अलग लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट एक्स, ये तो सर्ड का बेसिक प्रिंसिपल है, सर्ड होते हैं ना इंडिसीजन सर्ड। तो रूट ए आपका टेन थीटा आ गया और रूट एक्स आपका टेन फाई आ गया। देखिए कुछ अंदर बना, टेन ए माइनस टेन बी वन प्लस टेन ए टेन बी बन गया ना, टेन ए माइनस टेन बी वन प्लस टेन ए टेन बी। क्या बनाइए, टेन ए माइनस बी, माइनस है तो माइनस ही आता है भाई, ऊपर अगर माइनस है तो माइनस ही आता है। तो ये बना टेन ए माइनस बी, और ए कितना है थीटा, बी कितना है फाई, तो टेन थीटा माइनस फाई बन गया ये टेन ए माइनस बी। अब टेन इनवर्स है, टेन एलीफाई हो जाएगा, तो आप पे वाई की वैल्यू कितनी आई, आप पे वाई की वैल्यू आई थीटा माइनस फाई। पर क्वेश्चन अगर एक्स वाई में है तो आंसर भी एक्स वाई में निकालेंगे, थीटा की जगह कितना टेन इनवर्स ऑफ रूट ए माइनस फाई की जगह टेन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, ये आ गया। देखो रूट ए क्योंकि कांस्टेंट है तो उसका टेन इनवर्स भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो जब रूट ए कांस्टेंट है तो उसका टेन इनवर्स भी कांस्टेंट हुआ, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आता है जीरो, माइनस टेन इनवर्स एनी एंगल थीटा, टेन इनवर्स थीटा को आता है वन अपॉन वन प्लस थीटा का स्क्वायर, और थीटा अगर वर्थ हुआ औकात हुई उसकी तो उसका भी डिफरेंशिएशन होगा। तो अभी टेन इनवर्स थीटा का वन अपॉन वन प्लस थीटा, थीटा कितना है रूट एक्स, इसका करेंगे स्क्वायर, और फिर हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका, रूट एक्स का, पता है ना, पहले इनवर्स का फिर डिफरेंशिएशन किसका, एंगल का, ठीक है। तो वन अपॉन वन प्लस थीटा का स्क्वायर और फिर एंगल थीटा का डिफरेंशिएशन। देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, ये आप नेक्स्ट स्टेप में करना, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा एक्स, ठीक है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा एक्स, एक्स बचा तो ये कुल मिला के वन प्लस एक्स हो गया। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता ही है कितना होता है, हाफ लिखो रूट को नीचे भेज दो, बस खत्म। एक्स का कितना होगा सर, वन होगा, ठीक है। तो जीरो माइनस दिस थिंग इज माइनस ऑफ वन अपॉन टू रूट एक्स एंड देन वन प्लस एक्स को आप ब्रैकेट में लिख दो तो ये हो जाएगा, ठीक है, बस इतनी बातें हैं। तो माइनस वन अपॉन टू रूट एक्स और वन प्लस एक्स, ये आपका आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ फाइव एक्स प्लस ट्वेल्व रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन थर्टीन, और आपको इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, फिर वही बात आ गई, ठीक है, करना तो वैसे ही है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को ना मैथ में विजन होना चाहिए, नजरिया, तभी आप कर पाओगे, देख पाओगे, समझ पाओगे, लिख पाओगे और मार्क्स पा पाओगे। आप इसे अलग अलग लिख लो, मेरी बात मानो, इसे अलग अलग लिख लो। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स लिखा आपने, 5 बाई थर्टीन लिखो यार, x बाई थर्टीन क्या लिखोगे, 5 इंटू एक्स बाई थर्टीन की जगह 5 बाई थर्टीन इंटू एक्स लिख लिया, सेपरेट कर लिया, फिर आप पे आया 12 बाई थर्टीन, शाबाश, और आप पे आया अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा एक चीज़ देखो, वो चीज़ क्या है,
वो चीज़ बड़ी अनोखी है। क्या चीज़ है वो, ये देखो, मान लो 5/13 आपका कॉस, कुछ भी मान लो, थीटा होता, ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता? साइन थीटा आपको हमेशा से ही पता है अंडर रूट 1 - cos² थीटा होता है। सर ये कैसे होता है? साइन स्क्वायर थीटा 1 - cos² थीटा होता है, दोनों साइड रूट ले लिया। तो अब देखिए क्या बना, अंडर रूट 1 - cos θ आपको पता है 5/13 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25/169 आ जाएगा। 169 - 25 आपका 144 आएगा जब आप एलसीएम लेंगे, और नीचे 169 है, 169 - 25 144 होता है अपॉन 169 है। अब रूट करोगे तो 144 का 12 आएगा, 169 का 13 आएगा। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई सर, हाँ आपने लिए हमारे लिए ज़िंदगी आसान कर दी कि 5/13 को हम कॉस थीटा ले लेंगे, शाबाश। तो 12/13 आपका क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। चलो हम एक मंजिल 50% तो पहुंच गए ऐसे करके, ठीक है, ये देख लो। अब मैं मिटाने वाला हूँ इसे, अब क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बनना चाहिए, मतलब साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी बनना चाहिए, कॉस तो नहीं बनाएंगे। तो हम बहुत चालाक लोग हैं, हम एक्स को दोनों डाल सकते हैं, कॉस फाइव भी डाल सकते हैं। कॉस फाइव डालोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री लगानी पड़ेगी, तुम्हारे ऊपर है, मैं तो एक्स को साइन फाइव डाल रहा हूँ, मर्जी है ना मेरी, ताकि साइन ए कॉस बी बने। वैसे तो कॉस फाइव भी डाल सकते हैं, पर ये डाल रहे हैं ना, अगर एक्स साइन फाइव है तो कॉस फाइव तुम्हें पता है अभी जैसे हमने करा, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 - sin²5। इसका मतलब अंडर रूट 1 - sin²5 तो एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर ये तुम्हारा साइन फाइव हुआ तो ये आपका कॉस फाइव हुआ। देखो फार्मूला बन गया, ऐसे ही तो करना था, साइन का फाइव कॉस का थीटा, कॉस का फाइव साइन का थीटा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन का फाइव कॉस का थीटा, कॉस का फाइव साइन का थीटा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, क्या बनेगा, साइन ए माइनस बी बनेगा या प्लस बनेगा? सर बीच में प्लस है तो प्लस बनेगा, तो साइन ए प्लस बी, ए फाइव है, बी आपका थीटा है, जो यहाँ पे आ जाता है वो ए होता है, साइन का ए कॉस का बी, कॉस का ए साइन का बी, ठीक है। साइन इनवर्स से साइन जाएगा, आप पे बचेगा थीटा प्लस फाइव। ओहो सर ये तो बहुत कन्फ्यूजन होगी, थीटा किसके टर्म में लिखें? ओहो थीटा किसके टर्म में लिखोगे, क्योंकि एक्स अगर आपका साइन फाइव है, आपने कॉस थीटा 5/13 माना था, और साइन थीटा आपका फिर 12/13 आया था, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, यहाँ से पड़ सकता है फ़र्क यार, देख लेते हैं। क्योंकि एक्स अगर साइन फाई है तो कॉस फाई अंडर रूट 1 - x² है, तो भाई मैंने तो आपको फाई पूछा ना सिर्फ, अब अगर फाई को कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 - x² लिख लो तब भी बात बन जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं है। थीटा इज इक्वल टू, देखो कॉस इनवर्स 5/13 आ गया, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। सर हम तो साइन इनवर्स 12/13 लिखेंगे, लिख लो जीरो ही आना है, कॉन्स्टेंट है वो, है ना। अब दिक्कत यहाँ है, देखो यहाँ से अगर हम देखें तो फाई की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स आ गई, फाई की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स आ गई, बट अगर यहाँ से देखें तो फाई की वैल्यू अगर यहाँ से देखें तो कॉस इधर जाएगा, तो कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 - x² आएगी। अब दोनों डाल सकते हैं, पर भाई आपका मन तो ये डालने के लिए करेगा ना जो आसान है, एक ही ज़िंदगी मिली है, कितनी बार जीनी है, तो ईजी बनाओ ज़िंदगी को, तो ये डालो, है ना, वाला भी डाल सकते हैं पर ये डालेंगे। तो वाई की वैल्यू देखो क्या आई, फाई की वैल्यू आई साइन इनवर्स ऑफ एक्स, आना वही है भाई, चाहे ये डाल लो वो डाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर ये देखो बहुत कॉम्प्लेक्स है, पहले आपको एक्स को यहाँ पे दोबारा वो पुट करना पड़ेगा साइन थीटा, इजी बनाओगे तो ये रख लो, तो फाई को साइन इनवर्स एक्स, फाई नहीं, फाई प्लस थीटा है ना ये, तो फाई को तो हमने साइन इनवर्स एक्स डाला, और थीटा को हम भी कुछ भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो पहले निकालो वो डाल लो, कॉस इनवर्स 5/13 डाल लो। सर हम तो 12/13 डालेंगे और बाहर साइन इनवर्स लिखेंगे, लिख लो कोई बात नहीं, ओके। तो dy/dx हुआ बच्चे, साइन इनवर्स एक्स का आपको बताया 1/√1 - x² होता है, क्योंकि 5/13 कांस्टेंट है, तो कॉस इनवर्स ऑफ 5/13 भी कांस्टेंट हुआ तो इसका जीरो आएगा, तो 1/√ कितना आ गया बच्चे, 1 - x² आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे करने थे इन क्वेश्चन को, और देखो हमने कर भी लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, प्रॉपर नोटबुक में लिखो इन्हें, है ना, अब बस मेरा गुस्सा फूटने ही वाला है।
मैं यहाँ इतनी इतनी वीडियो में ये सोच रहा हूँ कि तुम मैं अपने हिसाब से तो कम वीडियो बना रहा हूँ यार, और तुम लोग तो मेरे से भी बड़े तुर्रम खान हो, तुम तो और ही ज़्यादा पीछे हो। मैं तो खुद ही सोच रहा हूँ कि कितना स्लो करा रहा हूँ मैं, और तुम और ज़्यादा पीछे हो। क्या होगा तुम लोगों का, करोड़ों के पैकेज लगने वाले हैं तुम लोगों के। वाई इज़ इक्वल टू कॉट इनवर्स, फिर यहाँ पे अंडर रूट वन प्लस कॉस 3x और वन माइनस कॉस 3x, ये आप पे है भाई। अब कैसा करोगे इसे, ये 3x है ना, कन्फ्यूज़ मत होना। तुम्हें लगेगा कॉस 3x का फार्मूला लगा दूँ, 4 cos³x माइनस 3 cos x, और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपनी ज़िंदगी ख़तरनाक बना दी है, कील से भरी हुई, कांटे पे चलने वाली। पर मैं चाहता हूँ आप 3x को थीटा के जैसे मानो, तो 1 cos θ, ठीक है। क्या होता है, 2 cos²θ बाई 2 होता है, और 1 cos θ 2 sin²θ बाई 2 होता है। थीटा भाई हम यहाँ 3x ले रहे हैं, है ना, याद रखना। थीटा कितना ले रहे हैं, 3x, ये लिख लिया करो, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। वैसे मत करना यार, कॉस 3x का फार्मूला मत लगाना है यहाँ, 4 cos³x माइनस 3 cos x, ठीक है, पता ही चल गया आपको, कांटों में चलना पड़ेगा। फिर रूट बनाया, ऐसा करा, ब्रैकेट बनाया, 1 cos θ, थीटा हमारा 3x है, हमें पता है 2 cos²θ का आधा आएगा, और 1 cos³x आएगा 2 sin²θ का आधा। अब थीटा खुद 3x है ना, थीटा कितना है, कॉस थीटा है ना, थीटा की जगह कौन है, 3x है, थीटा खुद 3x है, तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, 3x/2, यहाँ पे भी 3x/2, थीटा क्योंकि 3x है, तो थीटा बाई 2 क्या हुआ, 3x/2, 2 से बच्चे 2 कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर होता है आपका कॉट स्क्वायर, तो आप इसे कॉट स्क्वायर बनाओगे, तो कॉट इनवर्स ब्रैकेट रूट कॉट स्क्वायर, एंगल रिमेन सेम, 3x/2, ये आपका एंगल होगा, कॉस स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट बच्चे कैंसिल हो गया। आप पे क्या आया, आप पे कुछ ऐसा आया कि वाई की वैल्यू आप पे आई कॉट इनवर्स, और अंदर है कॉट, और फिर है 3x/2, कॉट इनवर्स से कॉस कॉट नलीफाई होगा, आप पे बचेगा 3x/2, ठीक है, कॉट इनवर्स से कॉट नलीफाई हो गया, और dy/dx की वैल्यू आएगी 3/2 बाहर, x का करेंगे तो 1 आएगा, इसका मतलब आंसर 3/2 ही आ गया, ठीक है, ये चीज़ है, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं यार, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो क्या है, आप पे है y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 tan²x अपॉन 2 tan x, ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है, पॉज इट और करिए। y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 tan²x अपॉन 2 tan x है। सर हम तो कोसेक इनवर्स में फैमिलियर नहीं है, ठीक है, तो इनवर्स का क्राइटेरिया लगाइए। कोसेक इनवर्स को साइन इनवर्स लिखेंगे अगर हम, तो होगा क्या, दोनों क्योंकि इनवर्स ऊपर ही रहेंगे, यहाँ पे सर्कुलर फंक्शन के जैसे कोसेक ऊपर और साइन नीचे नहीं होता, यहाँ पे दोनों ऊपर ही रहेंगे, तो फ़र्क कैसे पैदा करें, एंगल रेसिप्रोकल कर लो, कोसेक इनवर्स का एंगल, या अगर ये थीटा है तो यहाँ 1/θ लिखना है, मतलब इसका रेसिप्रोकल होगा, तो 2 tan x ऊपर आ जाएगा और 1 tan²x नीचे आ जाएगा, 2 tan x अपॉन 1 tan²x। इन्वर्स में क्या होता है, एंगल उल्टे हो जाते हैं, अगर ये थीटा है तो ये 1/θ हो जाएगा, इन्वर्टिबल फंक्शन हमेशा ऊपर रहते हैं भाई, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ था वो आंसर था। तो अंदर तो आपको पता ही है क्या बन गया, 2 tan x अपॉन 1 tan²x होता है sin²x, ये तो पता है ना, cos²x क्या होगा, 1 tan²x अपॉन 1 tan²x, और tan²x क्या होगा, 2 tan x अपॉन 1 tan²x, है ना, ये चीज़ें हैं। साइन इनवर्स से साइन जाएगा, बचेगा 2x, ये रहा, ठीक है, 2 tan x अपॉन 1 tan²x हो गया sin²x, साइन इनवर्स से साइन गया, बचा 2x, तो y की वैल्यू है 2x, और dy/dx करेंगे तो आपको पता है 2 बाहर आएगा, x का 1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2, 2 बाहर आएगा, x का 1 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2, क्लियर है, छोटा सा था, एज सिंपल एज दैट, और कुछ इसमें करना नहीं था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए,
बचे नेक्स्ट स्टेप पे, वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 + x/2। अब क्या करोगे? ये तो बहुत इजी है, 1 + cos 2 थीटा होता है ना कुछ चीज, वही बनाएंगे। तो x को हम आपकी मर्जी है cos थीटा लिखें या cos 2 थीटा लिखें, आपकी मर्जी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, अगर x cos 2 थीटा है तो 2 थीटा की वैल्यू होगी cos इनवर्स x, ये तो क्लियर है ना, cos इधर जाएगा इनवर्स बन जाएगा, तो 2 थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x हो गई, थीटा की वैल्यू होगी हाफ ऑफ cos ऑफ इनवर्स x या हाफ ऑफ cos इनवर्स x, ये हमें डालना है यहाँ पे। सोचा करो, तभी बोलता हूँ पॉज करे करो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, अब क्या हुआ, y इज इक्वल टू cos इनवर्स लिखा, रूट लगाया 1 + x की जगह cos 2 थीटा अपॉन में लगा दिया 2, ये चीज़ है। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स, बच्चों प्लस हो और cos 2 थीटा हो क्या आता है, 1 + cos 2 थीटा 2 cos² थीटा आता है, ठीक है, ये आता है। प्लस हो 1 + cos 2 थीटा 2 cos² थीटा आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आप पे बना cos इनवर्स, यहाँ बचा रूट और यहाँ बचा cos² थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से जैसे ही रूट कैंसिल हो गया तो ये cos इनवर्स आया, और यहाँ पे क्या आया बच्चे, cos थीटा आया, cos इनवर्स से cos जाएगा आप पे बचेगा थीटा, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, आप पे cos थीटा बचा, cos इनवर्स से cos गया, बचा थीटा, और थीटा की वैल्यू बच्चे कितनी है, हाफ ऑफ cos इनवर्स x है, ये आप पे है, थीटा की वैल्यू है हाफ ऑफ cos इनवर्स x। तो बस अब dy/dx निकालो, dy/dx क्या होगा, हाफ बाहर आएगा, और हमें cos इनवर्स x का करना होगा, तो cos इनवर्स x का -1/√1 − x² होता है, फिर x का करना होगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। हाफ लिखा cos इनवर्स x का -1/√1 − x² हो गया, इनटू 1 आ गया। तो अगर अब हम इसे सिंप्लीफाई करके लिखे तो -1/√1 − x² आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं, देखो फिर नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्या है, देखो फिर मेहनत कर लिया करो, तुम्हारे लिए बहुत ही कम पंखे में पढ़ाता हूँ मैं, ताकि आवाज़ ना आए, ठीक से मेहनत करे करो। देखो यार, नेक्स्ट है वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x√1 − x², ये आप पे है। अब इसको ना दोनों तरीके से कर सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप पे है पहली बात तो, है ना। और देखो मेथड वन, मेथड वन में देखो आप जो मन कर रहे हो वही डालो, 10 तो डाल नहीं सकते, तो x की जगह साइन थीटा डाल लेंगे, ठीक है, x की जगह साइन थीटा, x की जगह साइन थीटा, और थीटा की जगह साइन इनवर्स x, ये डाल लेंगे। होगा क्या, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2, और x की जगह कितना, साइन थीटा, और अंडर रूट 1 − x² x कितना है, साइन थीटा, तो 1 − sin² थीटा आ जाएगा, x के स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा आ गया। आगे बढ़ाएंगे तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स आ गया, फिर आप पे आया 2, फिर आया साइन थीटा, और बच्चे यहाँ देखो 1 − sin² थीटा एज यू ऑल नो cos² थीटा होता है, ठीक है। 1 − sin² थीटा कितना होता है, cos² थीटा होता है, तो लिख लिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, फिर तो मैंने हटा ही दिया, रूट भी हटाया स्क्वायर भी हटाया, तो ये बन गया cos थीटा, तो 2 sin θ cos θ होता है, sin 2 θ साइन इनवर्स sin 2 θ यहाँ पे आ गया, ठीक है। कर सकते हो ना बच्चे ऐसे, 2 sin θ cos θ sin 2θ आ गया, साइन इनवर्स से साइन नलीफाई हुआ, बचा 2θ, थीटा की वैल्यू है आपकी साइन इनवर्स x, तो आपका आंसर क्या आया, dy/dx, 2 तो बाहर आया, चलो बाहर आ गया, साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 − x², साइन इनवर्स x का यही होता है 1/√1 − x², और 2 × 1 आपका 2 हो जाएगा, तो आपका आंसर आया 2/√1 − x², इट इज़ एक्सेप्टेड, ये आंसर भी सही है। मेथड 2 देखिए, मेथड 2 में हम क्या करेंगे, मेथड 2 में हम x की जगह cos थीटा पुट कर देंगे, और थीटा आपका कितना बन जाएगा, cos इनवर्स x बन जाएगा, ये है।
और सारा रिपीटेशन प्रोसेस वही लगाएंगे तो वाई आएगा, साइन इनवर्स आएगा, ब्रैकेट 2x, तो 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है कॉस थीटा, फिर क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज़ है ठीक है। साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, तो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पे आया 2 कॉस थीटा, बचे अंडर रूट छोड़ो, ये बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये है स्क्वायर से रूट फिर दोबारा कैंसिल हो गया तो मैं हटा रहा हूँ, तो ऐसे बचा ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो 2 कॉस थीटा साइन थीटा बचा, मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा ही है, दोबारा अंदर क्या बना साइन 2 थीटा, तो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और अंदर क्या बचा साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स है साइन गया बचा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू डालेंगे, थीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स एक्स, तो ये बना 2 कॉस इनवर्स एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आया बच्चे 2 वैसी कॉस इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप पे बच्चे आया माइनस 2 अपन रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आप पे आ गया माइनस 2 अपन रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे करना था इसे। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप पे क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, अब यहाँ दो चॉइस ही नहीं है क्योंकि 4x क्यूब आगे नहीं है, तो कॉस इनवर्स नहीं डाल सकते हैं, साइन ही डालना पड़ेगा। एक फार्मूला होता है बच्चों अगर आपको याद हो, साइन 3 थीटा का क्या 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, अब ये तुम्हें वैसे ही लग रहा होगा, फ़र्क सिर्फ कितना है राइट वाली साइड देखना, x की जगह साइन थीटा है वही पुट करना है और आंसर बन जाएगा। तो हम पुट करेंगे x की जगह कितना साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी साइन इनवर्स ऑफ x, आगे बढ़ेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 रहा x की जगह साइन थीटा माइनस 4 एक्स क्यूब, x आपका साइन थीटा है तो इसका क्यूब करेंगे तो 4 साइन क्यूब थीटा आ जाएगा, 4 तो ऐसे ही x की जगह साइन थीटा है उसका क्यूब कर दिया तो साइन क्यूब थीटा आ गया। अब 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा कितना होता है साइन 3 थीटा होता है, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और यहाँ लिख दिया साइन 3 थीटा, साइन इनवर्स है साइन नलीफाई बचा 3 थीटा, 3 ऐसे ही रहन दिया, थीटा की जगह आपका साइन इनवर्स x, तो ये 3 साइन इनवर्स x हो गया, और dy बाई dx निकालेंगे तो 3 ऐसे साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो आपके आंसर आया 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आपका आंसर है ठीक है, 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आपका आंसर है, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भाई सेकेंड वर्स, अब है दिमाग वाले खेल, अब तुम्हें पॉज के लिए समय दूंगा, सेकेंड वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बनाओ देखो आप यहाँ पे, अगर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता तो टेन या कॉट डाल देते, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा होगा, आप इसे सोचो ना सेक है, अच्छा सेक इनवर्स को काटने के लिए अंदर सेक बनना चाहिए, ऊपर सेक आए, कुल मिला के ऊपर क्या आए सेक आए, तो नीचे कॉस आएगा 1 अपन कॉस, और कॉस लाने के लिए देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करना पड़ेगा, अगर आप कॉस डाल दोगे तो दिक्कत आ जाएगी यार, देखो एक्स की जगह अगर आप कॉस थीटा डाल दोगे ना तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका बन जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना साइन स्क्वायर थीटा और उसका रूट साइन थीटा, तो बच्चे आप पे 1 बाई साइन थीटा आ गया जो कि होता है कोसेक, तो ये नहीं चाहिए ना हमें, कोसेक नहीं चाहिए, देखो ना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म है, तो एक्स की जगह आप साइन थीटा डाल लो, एक्स की जगह साइन थीटा, अब तो तुम्हें रीज़न पता चल गया,
नहीं आया रीज़न समझ में, तो तुम एक बार कॉस डाल लो, फंस जाओ, फिर कभी भूलोगे नहीं। एक बार फंस जाओ फिर कभी भूलोगे नहीं। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स आ गया है ना, तो वाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स, एक्स तो ऊपर वाला है ना, कितना है साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब आगे बढ़े तो सेक इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो वाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स कितना आया वन बाई कॉस थीटा आया। अब वन बाई कॉस होता है कितना साइन थीटा, सर क्या कर रहे हो ये, वन बाई कॉस सेक होता है तो सेक थीटा आ गया, ठीक है। सेक इनवर्स से सेक नलीफाई हुआ बचा थीटा, तो वाई इज इक्वल टू थीटा, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आया साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा जो कि होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स का स्क्वायर, ये चीज़ है, ठीक है, देख लो। आगे बढ़ते हैं फिर, गुड।